हरियाणा के हिसार के गांव बिठमड़ा के खेतों में 3 दिन से एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर खेतों में बोरवेल को ठीक करने के लिए खोदे गए लगभग 55 फीट गहरे कुएं में एक मजदूर दब गया और लगातार 30 घंटे एनडीआरएफ और अन्य टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद भी अभी तक मजदूर सुरेश का कोई अता पता नहीं लगा। 3 दिन से बिना थके बिना हारे हर कोई इसी उम्मीद में है कि शायद अब भी सुरेश की सांसें चल रही हों और उसे बचाया जा सके, लेकिन जैसे तैसे समय बीत रहा है, सुरेश के बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। हर कोई अपनी ओर से पुरजोर कोशिश किए हुए है। एनडीआरएफ की टीमें अपने पूरे तामझाम के साथ ऑपरेशन पर लगी हुई है। हरियाणा से जुड़ी अन्य बड़ी खबरों के लिए भी चैनल को फॉलो सब्सक्राइब। हरियाणा के हिसार के गांव बिठमड़ा के खेतों में 3 दिन से एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पर खेतों में बोरवेल को ठीक करने के लिए खोदे गए लगभग 55 फीट गहरे कुएं में एक मजदूर दब गया और लगातार 30 घंटे एनडीआरएफ और अन्य टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद भी अभी तक मजदूर सुरेश का कोई अता पता नहीं लगा। 3 दिन से बिना थके बिना हारे हर कोई इसी उम्मीद में है कि शायद अब भी सुरेश की सांसें चल रही हों और उसे बचाया जा सके, लेकिन जैसे तैसे समय बीत रहा है, सुरेश के बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। हर कोई अपनी ओर से पुरजोर कोशिश किए हुए है। एनडीआरएफ की टीमें अपने पूरे तामझाम के साथ ऑपरेशन पर लगी हुई है। हरियाणा से जुड़ी अन्य बड़ी खबरों के लिए भी चैनल को फॉलो सब्सक्राइब।